कहिए गुरुदेव। सबसे पहले ये बता, तूने कुछ देखा? हमने देखा गुरुदेव। क्या देखा? वो देखो गुरुदेव, नील गाय के बच्चे जा रहे हैं। नहीं, ये साधारण नील गाय के बच्चे नहीं है। फिर गुरुदेव? ये उसकी इच्छाधारी नाक ना। और नागनिक के भागने की आठ है। जहरीली बीन की आवाज को सुनकर ये दोनों हिमगिरी पर्वत छोड़कर भाग रहे हैं। गुरुदेव आप बीन बजाइए, इच्छाधारी नाक को आप पकड़िए, उसकी मणि निकालिए, अमर कुंड में स्नान करके आप अमर हो जाएंगे। आपके नाम का जय जयकार होगा, आपके नाम की पूजा होगी। कंटाल गुरुदेव तू चिंता मत कर, अब वो इच्छाधारी नाग और नागिन हिमगिरी पर्वत की किसी भी खो में छुपे होंगे। हमारी पीन की आवाज को सुनकर वो आने पे विवश हो जाएंगे। पीन बजाओ, मैं चाहता तो तुझे राजमहल में मार दिया होता। तुझे इसी बियामान जंगल में, इसी खनघोर जंगल में और इसी काली पहाड़ियों के बीच तुझे तड़प तड़प जीने और तड़प तड़प मरने के लिए छोड़ जाऊंगा। चंद घंटों बाद वो काली रात आएगी और तेरे मौत का पैगाम लेकर आई। इसी बियामान जंगल के जंगली जानवर जब रात को तेरी मांस को नोच नोच कर खाएंगे, तभी ज्वाला सिंह की आत्मा को ठंडक अपने आंखों के आंसू को बचा कर रख। तेरे जिस्म की आखिरी सांस तक तेरे आंखों से आंसू बहते नजर आए और तू जितना तड़पेगा उतना ही हमारे हिया को चैन आएगा। याद रखना, याद रहे, ज्वाला सिंह मेरा नाम है, ज्वाला सिंह मेरा नाम है। इधर की दुनिया उधर कर देना, यही तो मेरा। देखते जाओ खेल में तो अब मजा। नागरानी, नागराज, हम लोग तंत्र के काल के डर से भागते हुए इतनी दूर आ गए हैं और चारों तरफ जंगल ही जंगल नजर आ रहा है। ना, नागराज, एक काम करते हैं, आइए हम लोग और आगे चलते हैं। चलिए नागराज। नागराज, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है?
हमें सुनाई भी दे रहा है, हमें यहाँ पर मानव भी दिखाई दे रहे हैं। हिमगिरी पर्वत पर क्या कर रहे हो बच्चा? ये प्रधान जी की भाई तमन्ना है। देखिए हमारे श्री भोलानाथ प्रधान जी, ये नाग नागिन के काम को देखते हुए, ये तुम्हारे लोगों काम पर खुश है नाग देवता, अब तो पैसा ले लियो लिए हुए। तो ये देखिए, देखिए हमारे श्री भोलानाथ हमारे माननीय प्रधान जी इसी ग्राम सभा के निवासी हैं। ये नाग और नागिन के काम को देखते हुए 100 रुपया स्पेशल इनाम। और देखिए हमारे अरुण प्रधान जी, अरुण प्रधान जी ये अचली खेड़ा निवासी, ये हमारे प्रधान जी की तरफ से तुम लोगों के काम को देखते हुए ये 25 रुपया इनाम दिए। पार्टी को धन्यवाद। अब की आना तो दूध लेकर आना, दूध दूध लेकर आना, पैसा नहीं। यस नागराज, नागरानी, हमें इस घनघोर जंगल में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही। मुझे भी नागराज। नागरानी आओ चलकर देखा जाए आखिर ये नन्ही सी जान रो कहां पर रही। आइए नागरानी, इस बच्चे को आप शांत कराओ। चुप हो जा बेटी, अच्छी बेटी जीत नहीं करती। देखा नागराज कितना अच्छा बेटा है। चुप हो, शायद ये छोटा सा बच्चा तुम्हें अपनी माँ समझने लगा है। तुम्हारी गोदी में जाते ही ये बच्चा शांत हो गया। हाँ, लेकिन नागरानी अपनी नजरें उठाकर देखो, बच्चे के मस्तक पर भोले बाबा शिव के त्रिशूल का निशान बना हुआ है। और इस नागराज प्रकाश को ऐसा आभास, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई साधारण बालक नहीं बल्कि कोई चमत्कारी बालक है। नागरानी, नागराज मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझी, तुम कहना क्या चाहती हो? बच्चे को मुझे दो और हमारी बातों को ध्यान से सुनो, मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। हर प्यारी लगता मुसीबत, हाँ प्यारी प्यारी लगता मुसीबत से आया यहाँ, फिर भी बच्चा बड़ा प्यारी लगता मुसीबत से।
नागरानी, आपने सत्य कहा कि हम तो ठहरे एक नाग और नागिन, हमारा तुम्हारा तो कोई ठिकाना पता नहीं, नहीं। और ये नन्नी सी जान हमारे साथ दरबदर की ठोकरे कहाँ पर खा, लेकिन नागरानी क्या बात है, भोले बाबा के आदेश से नागलोक से स्मृत लोक पर हमारा आगमन, और सामने देखो प्यारी सी मंदिर भी दिखाई दे रही है, आओ चलो इसे मंदिर पर हम बच्चे को लिटा देते हैं। हाँ नागराज। अगर कोई रास्ते से आदमी आएगा और बच्चे को उसकी नजर पड़ेगी तो इसके परवरिश के विषय में कुछ ना कुछ जरूर सोचो। चलो हम लोग मंदिर की तरफ चलते हैं। चले ना, चलो नागराज आइए, चलो मंदिर के रास्ते पर हमारा जरा ठीक नहीं है, नहीं नागराज, क्योंकि मंदिर के रास्ते से तांत्रिक जयकार आ रहा है। नागराज एक काम करते हैं, आइए हम लोग बच्चे को लेकर एक कुटिया की तरफ चलते हैं। चलो आइए नागरानी। चलो नागराज। इस वक्त तांत्रिक जयकार हमारी ध्वनि जान का दुश्मन बन गया है, इससे पहले कि हमारे प्राण के साथ साथ बच्चे के प्राण का संकट हो, आ हम इस बच्चे को इसी कुटिया के सामने छोड़ देते हैं। जल्दी नागराज, हमारे तुम्हारे चले जाने के बाद ये यहाँ छोटा सा बच्चा अकेला रह जाएगा और ये बहुत रोएगा। मेरा तो दिल नहीं कहता कि हम लोग इसे यहाँ से छोड़कर चले जाएगा। ये बच्चा पल भर की मुलाकात में हमें अपना पिता और तुम्हें अपनी माँ समझने लगा। अगर ये बच्चा बचपन में इतना समझदार है तो हमारा भी कुछ कर्तव्य और धर्म कहता है नागरानी। मैं भी आज भोले बाबा को साक्षी मानकर इस नन्ही सी जान को अपना पुत्र स्वीकार करता हूँ नागरानी। आज के बाद इसके सुख और दुख में मैं हमेशा सहयोगी रहूंगा नागरानी। आइए कुछ दिनों के लिए किसी दूसरी पहाड़ी पर चलते हैं और एक दिन हम अपने पुत्र से मिलने के लिए यहाँ पर अवश्य आएंगे। लेकिन नागरानी हमें आने में ना जाने कितने वर्ष लग जाएंगे और ये छोटा सा बच्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, हम इसको पहचानेंगे कैसे नागरानी? हाँ नागराज, ये बात तो है। नागरानी आज की बात ये हमारे गले का माला हमारे पुत्र के शरीर पर कवच की भांति हमारे बेटे की रक्षा करेगा नागरानी। और जब तक ये गले में इसके माला रहेगा इस मृत लोक का कोई भी जीव हमारे बच्चे का बाल विवाह नहीं कर पाएगा और एक दिन इसी माले के जरिए हम अपने बेटे को पहचान जाएंगे नागरानी। आज से कि आप लोगों को नहीं पता था कि हमारा नाम क्या है और कहाँ की रहवन। हमारा नाम हीरिया मलन, जो
क्योंकि इसी कंचनगढ़ की रहवली और हमारे पति का नाम हर्षोमल। लेकिन क्या बताऊं, अफसोस इतना है न तो आज मेरे स्वामी जी इस दुनिया में जीवित हैं, आज उनको खत्म हुए पूरे 5 वर्ष हो गए। क्या बताऊं, अफसोस इतना है न तो मेरी गोद में कोई औलाद है। इतनी सी बड़ी दुख की बात है, आज वही काम मेरे जो स्वामी जी करते थे फूलों